मम्मी के पास जाता हूँ तो वो अब्बा के पास जाने को कहती है, अब्बा के पास जाता हूँ तो वो अपने दोस्त से बिछड़ने के गम में गमगीन से गमगीन तर गाना मुझे सुना देते हैं। भाई के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, आप हर वक्त किचन में घुसी रहती हैं। रह गई बेचारी सुबह, वो बेचारी इंतजार कर रही है मेरा कि मैं कब रिश्ता लेके उसके घर जाऊंगा। सॉरी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो फिर पूछ क्यों रही थी? पता है, अम्मी बहुत कुछ कर सकती हैं। ले, अम्मी क्या कर सकती? अरे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। इधर आओ, बात सुनो। अम्मी आ गई, जल्दी। अरे क्या कह रहे हो? अरे नहीं 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 अब क्या फायदा भाई, मैंने तो आपकी पसंद की शादी करने नहीं है और मेरी पसंद की शादी आप होने नहीं देंगी, तो भाई इस सारा सामान का क्या फायदा? चलो उठाओ, तुम भी ले जाओ। छोड़ो, अरे रखो नीचे, रखो रखो, अल्लाह छोड़, अम्मी मम्मी अल्लाह छोड़, मैं तेरे सर में मारूंगी, अल्लाह नीचे। अरे करेंगी क्या अब सारे सामान का? अरे मैं कराऊंगी ना तुम्हारी शादी, मैं कराऊंगी, मैं सच कह रही हूं, मैं लेकर आऊंगी अपने फखरों की दुल्हनिया। कराएंगी मेरी शादी? हां कराऊंगी, जहां चाहूंगा वहां कराएंगी। तो फिर कसम खाएं कि मुझे लेके चलेंगी कल जुबाब के घर रिश्ता लेने के लिए? बोले हाँ, कसम खा ली भाई मेरी प्यारी अम्मी। चलो भाई चलो, सामान उठाओ, अंदर लेके चलो मेरे कमरे में, है ना? चलो शाबाश शाबाश, प्यार से उठाओ, प्यार से उठाओ, प्यार से उठाओ, शाबाश शाबाश। अरे मैं आपका बैग उठाऊं? आ जाए, अरे आप आए ना मेरे साथ, बाकी सारा सामान अंदर है। अरे आप मेरे साथ आए, आ जाए, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा मेरी प्यारी। चलो क्या हो गया, इतना परेशान क्यों लग रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा। अम्मी बहुत अच्छे लोग हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, खानदानी भी। जब आपका फोन आ रहा है, 2 मिनट। हेलो, आप कौन? हाँ सुबह, हम लोग पहुंच गए। नहीं कोई बात नहीं बेटा। अच्छा तो सुबह भी पप्पी है, इसको रोक ले, हम नहीं जाएंगे। पर तो खामोश रहोगे, कोई कुछ नहीं करेगा, ये मेरा हुक्म। अच्छा तो मैं रोकती हूँ। असी बाय। अरे क्या हो गया है आप लोग, चले ना। हाँ अम्मी प्लीज अंदर चले, अब्बा का हुक्म है। मुस्कुरा दे। नन्ने आ जाए, नन्ने इम्पोर्टेंट ईमेल है। वो देखे, हाय सलाम अलैकुम। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आओ? तुम्हारे घर मैं नहीं आई, हमें हमारा बेटा लेकर आया है। ये जो तुम्हारी बेटी है ना पप्पी, इसने रिश्ता लाने के लिए कहा है। पप्पी फखरू, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बेचारा मेरा भाई फंस गया। चुप करो, देखो तो सही हो क्या रहा है। यस माय डॉटर पप्पी, हम इसे प्यार से पप्पी बोलते हैं और नाम है इसका जुबाब, और ये हमारा बेटा है फाखिर, जिसे हम प्यार से फखरू कहते हैं। यही वो फखरू है जिससे रिश्ता तय किया था हमने। देखो शुभो, ये है मेरा बेटा फखरू, जिसको तुम ना लाइक कहती हो। बहुत लाइक फाइक है मेरा बच्चा, और इसी को तुम्हारी बेटी पप्पी पसंद भी करती है। ये है मेरी परवरिश। एक सेकंड, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे ख्याल से। वही लड़की है जिसको पिक्चर में बार बार दिखा रही थी और आप बिना देखे मना कर रहे थे। What? तो फखरू बेटा वही लोग हैं जिनको रिश्ते से इनकार कर गई थी मैं, तो मुझे फिर वहीं लेकर आ गए हो।
तुम जानते नहीं लोगों ने कितनी इंसल्ट की थी हमारी, फिर अपनी माँ की नाक कट पाने लगा। नहीं अम्मी, मैंने भी उस दिन कह दिया था मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हरगिज नहीं होगी। मम्मी, आंटी मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है, बहुत बड़ी गलत फहमी। जी जी बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है, पहले आके रिश्ते से इनकार करें, हमारी बेइज्जती करें और फिर से बेटे को ले आए रिश्ते के लिए। अरे तुम्हें कितनी दफा बताया है कि हम नहीं आए, हमारा बेटा हमें यहाँ लेकर आया है। बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? और कुछ पूछना है ना तुम अपनी इस बेटी से पूछो जो लाहौर में इसे मिलती रही है, बहुत अच्छी तरह से जानती है। नीली स्टॉप इट, मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज ना बोलना, तुम्हारे बेटे ने वरगलाया होगा इसे। नहीं आंटी, मेरे ख्याल से ना कोई कंफ्यूजन हो गई है। देखिए मैं और पप्पी, मैं और जुबाब एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम लोग दोस्त भी हैं, शादी भी करना चाहते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। डैड, यस प्लीज कीप क्वाइट, इसलिए बेहतर यही है कि अपने बेटे को लो और यहाँ से चले जाओ। इनफ इज इनफ। डैड, Very well said. I'm proud of you, Nanna. अरे हमें चाहिए भी नहीं तुम लोगों की बेटी, संभाल कर रखो इसको। लेकिन अपनी बेटी से कह दो मेरे बेटे को पीछा छोड़ दे। कितनी बार कहूँ हमारी बेटी ऐसी नहीं है, भरोसा करते हैं हम उस पे। आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, बेहतर होगा कि आप चले जाएं। थैंक यू। सत्तू जी क्या भी रुकेंगे आप यहाँ पे? चले बच्चों चलो, तुम भी चलो। अम्मी मेरी बात तो सुने। चल बात तो सुने, एक मिनट कोई कंफ्यूजन। जल्दी से आओ तुम। यार ये क्या? फखरू, पप्पी। वही हुआ जिसका डर था, ना पप्पी फखरू की हुई ना जुबाब मिस्टर फाखर खान की। जहाँ से चले थे सब वहीं आ रुके हैं। इन नामों की गड़बड़ में हमें जापान जाना था, पहुँच गए चीन।